हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल डिजिटल टॉपर। तो यार, आज का सीन ये है कि हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का इतिहास। हिंदी गद्य का इतिहास हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। और ये गद्य का इतिहास है तो हम सिर्फ गद्य के ही सवाल पढ़ेंगे। और अगर अगली वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, तो हम पद्य की भी वीडियो डालेंगे। अभी 15 दिन बचे हुए हैं आपके, और 15 दिन में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं रेडी, तो आपके पाँच पाँच के जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो मिल जाएंगे। तो आखिरी तक बने रहिए वीडियो को देखने के लिए। और ऐसी राइटिंग के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसका आंसर है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया भाई। पहला भाग भारतेंदु युग, पहला युग है भारतेंदु युग, सन 1850 से 1900। सिर्फ ये इतना याद रखना, 1850 से 1900, अगला 1900 है, उसके बाद 20, फिर 20 के बाद 36, 36 इनके बीच का गैप आप याद कर लीजिए बस, कि 1850 याद करिए, फिर 50 साल चला भारतेंदु युग, उसके बाद 20 साल चला द्विवेदी युग, उसके बाद 16 साल चला छायावादी, उसके बाद अब तक चल रहा है छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। भारतेंदु युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावादी युग 1920 से 1936, और उसके बाद छायावादोत्तर युग 1936 से अब तक चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हिंदी गद्य का प्रारंभिक अस्तित्व किस रूप में मिला है। हिंदी गद्य का प्रारंभिक अस्तित्व किस रूप में मिला है, मतलब शुरुआत में उसका अस्तित्व क्या था। तो हिंदी गद्य का प्रारंभिक अस्तित्व का रूप राजस्थानी गद्य टीका आदि में है, टीका आदि में मिलता है। ठीक है, गद्य टीका आदि में मिलता है। उसके अगला क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा गद्य के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं लिखो। तो ब्रजभाषा के गद्य के प्रमुख लेखक लिखने और उनकी रचनाएं, तो एक रचनाएं लिख दो बस, बहुत है। तो गोकुलनाथ, 84 वैष्णवन की वार्ता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विट्ठलनाथ की श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ की, गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हिंदी खड़ी बोली के प्रारंभिक चार नायकों के नाम। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सेम ऐसे नहीं होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन ऐसे आ गया जैसे हिंदी खड़ी बोली के प्रारंभिक चार नायकों के नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि चार नायक कौन थे, हिंदी खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक कौन थे, तो नायक कौन थे। तो रानी केतकी की कहानी, इंशाल्लाह खां नाम, देखो खड़ी बोली के प्रारंभिक चार नायकों के नाम, नायकों के नाम ये होगा, लेकिन इनकी अगर आप वो लिख दोगे तो मतलब सही रहेगा ना। तो सुख सागर, सदा सुख लाल की, प्रेम सागर, लल्लू लाल, नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतेंदु से पूर्व खड़ी बोली गद्य के उन्नयन में किन दो लेखकों का विशेष योगदान रहा है। भारतेंदु से पूर्व खड़ी बोली गद्य के उन्नयन में किन दो लेखकों का विशेष योगदान रहा है, तो इंशाअल्लाह खान और सदा सुखलाल। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, हिंदी गद्य इतिहास का, मतलब जो ऐसे पूछ सकते हैं रैंडम, कि खड़ी बोली गद्य की पहली रचना किसे माना गया है। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना किसे माना गया है, ये बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका आ भी सकता है ये। तो आंसर इसका है गोरा बादल की कथा जटमल, 1623। ये याद रखिए, हो सकता है ये पूछ सकता है कि जटमल किस सन में या किस ईस्वी में रची गई है, तो 1623 ये ज़रूरी है। और उसके बाद अब हम आते हैं आगे के भारतेंदु युग इन सब के पास। तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, आपने पहले ही देखा अभी क्वेश्चन में, और इम्पोर्टेंट भी है ये। तो भारतेंदु युग हिंदी गद्य के उन्नयन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को रेखांकित कीजिए। हिंदी गद्य के उन्नयन में भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य साहित्य का जनक माना गया है, गद्य साहित्य का जनक, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और अगर आपको इन सब के फोटो चाहिए तो मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे, ब्लॉग की वो नीचे दिया हुआ, इसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे फोटोज़ के। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट का साहित्य सुमन। देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों के नाम पूछा है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लेखक के नाम लिख दीजिए, आप उनकी एक एक रचनाएं भी लिख दें, तो क्योंकि देखो टीचर का वो जो पढ़ता है ना, इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपको प्रभावित करेगा
टीचर को, तो पहले आप देखेगा कि आपने लेखक के साथ साथ उसकी एक एक कविताएं भी, उसकी एक एक रचनाएं भी लिखी हैं, उसके एक एक लेख लिखे हैं, तो वो उसका मतलब थोड़ा मन खुश हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है कि प्रताप नारायण मिश्र हठी अमीर, ये दो हैं पंडित बाल कृष्ण भट्ट, साहित्य सुमन और प्रताप नारायण मिश्र हठी अमीर। अब आते हैं उसके आगे के क्वेश्चन के बारे में, उसका आगे का क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय युग में प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादकों का नाम लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी मेरे एग्जाम में आया था, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप, पंडित बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनको याद कर लीजिएगा। अब अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ, अगर आपको इसका फोटो चाहिए तो मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, मेंशन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बहुत ही ज़्यादा। भक्ति के भारतीय युग में बहुत भक्ति हुई और श्रृंगारिक छंद बहुत लिखे गए, तत्कालीन दुर्दशा पर वेदना, मतलब वहाँ पे जो आसपास की जो स्थिति थी उसके ऊपर भी लिखा गया है, तो ये कुछ क्वेश्चन होंगे। और अगले जैसे द्विवेदी युग हैं, शुक्ल युग हैं, इसको देखने के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं अभी शाम तक वीडियो बना के डाल दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करके बताइएगा कि आप जब एग्ज़ाम देकर आएँ तो कमेंट करके बताइएगा कि कुछ फ़ायदा हुआ आपको वीडियो देखने से। और बस बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आपको फ़ोटो वहाँ से मिल जाएगी। शुक्रिया।